घर बैठे ही अंतरिक्ष की यात्रा पर लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि जिस तरह सड़कों पर ट्रैफिक जैम लगता है, वैसी ही स्थिति अब अंतरिक्ष में भी हो रही है। अंतरिक्ष अब एक ऐसे डस्टबिन में तब्दील होता जा रहा है जिसमें कचरा ही कचरा भरा है। आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में तैरने वाले हजारों सैटेलाइट्स जब निष्क्रिय हो जाते हैं, जब बेकार हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है? आज हम आपको अंतरिक्ष के इसी कचरे पर एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जो आपका ज्ञानवर्धन करेगी। लेकिन उससे पहले आपको इसरो की एक नई सफलता के बारे में बताते हैं। आज हमने आपको जो भी बताया सब खराब ही हो रहा था। सब जगह सांप्रदायिक हिंसा है, तनाव है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन इस देश में कुछ ऐसा है जो अच्छा भी हो रहा है। और अच्छा कौन कर रहा है? हमारे देश के वैज्ञानिक चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और उनकी बातें कभी आप तक सामने नहीं आती क्योंकि वो अखबारों में उनके बारे में छपता नहीं, उनकी तस्वीरें नहीं आती और वो विवादों से अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आप ये रिपोर्ट देखिए। इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसे PSLV C-56 रॉकेट कहते हैं, ये सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने में सफल हो गया है। सिंगापुर ने इन सैटेलाइट्स को विकसित करने में काफी मेहनत की थी और आपके लिए गर्व की बात है कि इन सैटेलाइट्स, ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये हैं तो मेड इन सिंगापुर, इन्हें सिंगापुर ने बनाया है, लेकिन इन्हें लॉन्च करने के लिए भारत के इसरो का इस्तेमाल किया गया है। यानी सिंगापुर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कराने के लिए भारत में आया और इसरो ने उनके सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अब तक इसरो दूसरे देशों के 424 सैटेलाइट्स सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुका है और अब ब्रिटेन, यूरोप और सिंगापुर जैसे विकसित देश भी अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए भारत के इसरो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिससे भारत को जबरदस्त फायदा हो रहा है और भारत इस जो पूरा ये जो स्पेस मिशन है इसमें एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभर कर आ रहा है। इसी साल मार्च के महीने में इसरो ने ब्रिटेन की वन वेब कंपनी के 36 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था और वन वेब के साथ हुई डील से इसरो को 1,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। यानी जो ब्रिटेन एक जमाने में भारत को सपेरों का देश कहता था, आज उसी ब्रिटेन की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने स्पेस मिशन के लिए इसरो पर निर्भर हो रही है। ये कितने गर्व की बात है किसी भी भारतीय के लिए। भारत के लिए इससे भी बड़ी सफलता यह है कि हम अंतरिक्ष की दुनिया में क्रांति लाने के साथ अंतरिक्ष अभियानों से होने वाली चुनौतियों को भी बाकी देशों से बेहतर समझ रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ अपना रोल निभा रहे हैं। जैसे इस मिशन में भारत ने जिस रॉकेट से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, उस रॉकेट के चौथे चरण यानी रॉकेट के बचे हुए अंतिम हिस्से को पृथ्वी की 300 किलोमीटर की निचली कक्षा में लाया गया है और ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस रॉकेट का कचरा अंतरिक्ष में कई दशकों तक ऐसे ही कचरा बनकर तैरता ना रहे, यानी अंतरिक्ष की सफाई होती रहे। असल में जिस रॉकेट से सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं वो रॉकेट अंतरिक्ष में मिशन सफल होने के बाद सैटेलाइट से अलग हो जाते हैं और फिर ये रॉकेट्स किसी काम के नहीं रहते और ये कचरा बन जाते हैं। ज्यादातर सैटेलाइट्स पृथ्वी के वायुमंडल के उस भाग में होते हैं जिसे हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। इस कक्षा में 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है, लेकिन क्योंकि इस कक्षा में हवा के मॉलिक्यूल्स पर्याप्त नहीं होते इसलिए हवा के घर्षण से सैटेलाइट और रॉकेट का कचरा नष्ट नहीं होता और यह कचरा तभी नष्ट हो सकता है जब इसे पृथ्वी के वायुमंडल के उस भाग में लाया जाए जिसे हम मेसोस्फेयर कहते हैं। मेसोस्फेयर का मतलब है वो कक्षा जो पृथ्वी की सतह से 65 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होती है और फिर वहां से 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक के भाग को मेसोस्फेयर कहा जाता है। अभी होता यह है कि पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट्स रॉकेट से अलग होते हैं तो रॉकेट किसी काम के नहीं रहते और इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इन रॉकेट्स का कचरा भी अंतरिक्ष में ऐसे ही तैरता रहता है और 50 साल से ज्यादा के समय के बाद ये रॉकेट उस कक्षा में पहुंचते हैं जहां ये नष्ट होते हैं। यानी 50 साल तक ये अंतरिक्ष में ऐसे ही ट्रैफिक जैम और कचरा पैदा करते रहते हैं। जब अब इसरो की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने इसी 50 से 60 साल की समय अवधि को छोटा करके इसे सिर्फ 2 महीने कर दिया है। ये अपने आप में एक बहुत ही आधुनिक और अद्भुत प्रयास है जो पृथ्वी के वायुमंडल में सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के कचरे और ट्रैफिक जैम को कम कर सकता है। इस समय हमारी पृथ्वी 8,261 सैटेलाइट से घिरी हुई है जिनमें 4,852 सैटेलाइट्स एक्टिव हैं और 3,409 सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो अब निष्क्रिय हो चुके हैं। निष्क्रिय का मतलब ये कि इन लगभग 3,500 सैटेलाइट्स ने अब काम करना बंद कर दिया है, ये किसी काम के नहीं है और अब इनका कचरा पृथ्वी के वायुमंडल में ऐसे ही तैर रहा है और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ किस तरह का ट्रैफिक जैम लगा हुआ है वो आप इन तस्वीरों में आज देख सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सैटेलाइट्स और रॉकेट्स का जो कचरा है
वो 10 करोड़ टुकड़ों से ज्यादा में बटा हुआ है। इनमें 23,000 टुकड़े आकार में 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, 5,00,000 टुकड़े 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं और 10 करोड़ टुकड़े ऐसे हैं जो 0.01 सेंटीमीटर जितने हैं। और इस समय पृथ्वी के वायुमंडल की स्थिति वैसी ही है जैसे आपके शहर में किसी व्यस्त चौराहे की होती है, जहां पर ना तो कोई कानून है ना कोई रेड लाइट है, और जिसे जहां रास्ता मिल रहा है वो जा रहा है। अंतरिक्ष के इस कचरे के लिए जो देश सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो है रशिया। रशिया के 7,032, अमेरिका के 5,216, चीन के 3,854, फ्रांस के 520, जापान के 117 और भारत के 114 सैटेलाइट्स और रॉकेट बॉडीज का कचरा पृथ्वी के वायुमंडल में इस समय तैर रहा है। और यह स्थिति भविष्य में और भी खतरनाक होने वाली है। वर्ष 1970 में पृथ्वी में मौजूद सैटेलाइट्स की संख्या 100 से भी कम थी जो पृथ्वी के आसपास मौजूद थे, लेकिन 53 वर्षों के बाद आज अंतरिक्ष में 8,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं और आने वाले 10 वर्षों में अलग अलग देश और प्राइवेट कंपनियां 1,00,000 और सैटेलाइट्स पृथ्वी के वायुमंडल में स्थापित करने वाली हैं। सोचिए 1,00,000 सैटेलाइट्स। नासा का अनुमान है कि जैसे सड़क पर ट्रैफिक जैम से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में भी कचरा बढ़ने से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच टक्कर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और इससे एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जिसे हम केसलर सिंड्रोम कहते हैं। केसलर सिंड्रोम का मतलब है जब दो सैटेलाइट्स और रॉकेट्स का कचरा आपस में टकराएगा और इस टक्कर से उनका कचरा फैलकर दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा और फिर उनका कचरा बाकी के सैटेलाइट से टकराएगा और यह घटना इतनी खतरनाक होगी कि इससे पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद लगभग सारे सैटेलाइट समाप्त हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर आप पर जरूर पड़ेगा। आप अभी जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं उसका पूरा नेटवर्क, आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ सैटेलाइट पर निर्भर करता है। आपको यकीन नहीं होगा, आज ये जो सैटेलाइट्स हैं यही आपकी लाइफलाइन है, यानी आपका मोबाइल फोन, आपका टीवी, आपके बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। इंसान मौसम का पूर्वानुमान नहीं लगा पाएगा जिससे किसान भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा इससे डिफेंस ऑपरेशंस पर असर पड़ेगा, हवाई जहाज जो चलते हैं उन पर असर पड़ेगा। कोई भी देश अपने सैटेलाइट से किसी दूसरे देश की निगरानी नहीं कर पाएगा। अंतरिक्ष अभियानों को लेकर दुनिया में अब तक कोई प्रभावी संधि नहीं हुई है। एक कड़वा सच यह है कि इंसानों ने कचरे के मामले में न तो पृथ्वी को छोड़ा और ना ही अब अंतरिक्ष को छोड़ रहे हैं, और दोनों ही जगह इस कचरे के निस्तारण के लिए कोई भी ठोस नीति अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। आपने शमशान घाट और कब्रिस्तान तो देखे होंगे जहां इंसानों को मरने के बाद या तो जलाया जाता है या दफनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जो सैटेलाइट्स और रॉकेट्स मर जाते हैं यानी निष्क्रिय हो जाते हैं उनका क्या होता है? ऐसे सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के शव के लिए दो कब्रिस्तान बनाए गए हैं। एक है पैसिफिक ओशन में जिसे स्पेसक्राफ्ट सेमेट्री कहते हैं। इसकी कुछ तस्वीरें आज आप देख सकते हैं और इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मर चुके स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके शवों के लिए ये दूसरी सेमेट्री अंतरिक्ष में ही बना दी गई है, जहां इनके कचरे को पृथ्वी के वायुमंडल में और ऊंचाई पर धकेल दिया जाता है ताकि ये अब तैरते रहें।